वेलकम। कोरोना लॉकडाउन एंड एटीट्यूड का इस सीरीज की नई वीडियो में आपका सबका स्वागत है। तो अभी हम घर पे तो बैठे हैं, तो उसमें क्या हम चीजें कर सकते हैं उसका कुछ एक जनरल लिस्ट मैंने बनाया है। शायद आपके लिए नया नहीं होगा, बट बहुत सारे लोगों के लिए चीज नहीं होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तो दैट आपको एक नया वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो अभी हम घर पे बैठे लॉकडाउन की वजह से तो कुछ चीजें कर सकते हैं। देखो दोस्तों, ये चीजें करने के लिए हम बहुत सारे टाइम से अपना टाइम निकाल नहीं पा रहे थे, और आज टाइम मिला है तो उसको थोड़ा सा यूटिलाइज करो। और उसके पहले जो नीचे कोड दिया उसको इम्पोर्टेंटली ध्यान रखो, अनसक्सेसफुल पीपल विल वेस्ट देयर टाइम एंड सक्सेसफुल पीपल विल इन्वेस्ट देयर टाइम। आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है इस टाइम के साथ में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपकी जो भी केवाईसी है, केवाईसी डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस होगा, या फिर आपका वोटर आईडी होगा, इन सभी चीजों को आप एक अच्छी जगह फाइल करके रखो या स्टोर करके रखो, तो नेक्स्ट टाइम आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, हर फैमिली मेंबर का आधार कार्ड, हर फैमिली मेंबर का पैन कार्ड, अगर आप सबके एक ही जगह करते हो, या छोटे से पाउच में सबके पैन कार्ड और दूसरे पाउच में सबके आधार कार्ड, दोनों मिला के एक पॉकेट में या एक थैली में हम रख सकते हैं, तो जब भी आपको चाहिए आपको इजीली और अवेलेबल हो सकता है। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स आप सबके एक साथ में रखो, आपको कभी भी उसका फायदा हो सकता है, और इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आपके जो भी ओरिजिनल एफडीज है, एलआईसी डॉक्यूमेंट्स है, शेयर्स है, या फिर और कुछ इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स है, इसका अलग से फाइलिंग बनाओ। आप बोलेंगे इसकी जरूरत क्या है। देखो, जब भी हम एफडी मैच्योर होता है तो जब लाने जाते हैं तो अपने को एफडी का रिसिप्ट देना होता है, शेयर्स का सर्टिफिकेट कभी कभार कहीं पे देना होता है। अगर आपको आपके सीए के पास जाना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आपको एलआईसी के डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने होते हैं। तो इसके लिए अगर आप सबको एक हैंडी फाइल में रखते हो, तो फाइल आप एक लाइक नाम रख दी के ऊपर इन्वेस्टमेंट फाइल, तो आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो। उसके अंदर पाउच मिलते हैं, सब बंद है तो आप कुछ पाउच मिलना मुश्किल है, तो जो भी पाउच मिलेंगे मार्केट में उसके बाद में फोल्डर्स रहते हैं, आप फोल्डर में उसको डाल के रख सकते हैं। चेक आपका ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कब है वो देख लो, और अगर कमिंग 2-6 महीने में है तो आपके मोबाइल में रिमाइंडर सेट कर दो। मैं क्या करता हूँ, मैं गूगल का कैलेंडर यूज करता हूँ, तो मेरा जो भी डेटा गूगल पे सिंक होता है, मेरे जीमेल पे भी उसका नोटिफिकेशन आता है, और जब भी मैं ड्यू डेट सेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे बाइक का ऑयल बदली है या फिर मेरे कार का ऑयल चेंजिंग करना है, तो भी मैं जैसे मैंने सपोज आज डाला है, मैकेनिक बोलता है कि 3 महीने बाद फिर से आपको डालना है, तो आज के बाद 3 महीने का मैं डेट सेट करके रिमाइंडर रखता हूँ कि बाइक और कार ऑयल चेंजिंग। तो इससे क्या होता है कि अभी याद नहीं रहेगा, उस टाइम पे भी याद नहीं रहेगा, बट रिमाइंडर ऑटोमेटिकली बच जाएगा। तो चेक कीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल कब है, वो चेक करो। आपका रेशन कार्ड, गैस कार्ड है, प्रॉपर प्लेस पे रखो, सो दैट इजीली मिल जाएगा। घर पे उसका एक प्लेस फिक्स कर दो। तो मेरे घर पे अगर आप पूछोगे तो मैंने फ्रिज के ऊपर जो कवर रहता है उसके अंदर रखा है, तो इजीली मुझे गैस किचन में का बुक, गैस का बुक किचन में मिल जाता है, जब भी गैस आता है तो मैं इजीली उसको ले सकता हूँ। आपके ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इनकम टैक्स के रिटर्न है वो आपके घर में है, तो उसका एक अलग से फाइल बनाओ, लिखो इनकम टैक्स रिटर्न, और हर फैमिली मेंबर का रिटर्न उसमें सेट बना के रख दो। और अगर नहीं है तो आपके सीए को फोन करके अभी मेल पे मांगो, अगर नहीं है तो उसका लिस्ट निकाल के रखो, अगेन आपके मोबाइल में रिमाइंडर सेट करो, और जैसे लॉकडाउन ओपन होता है आप आपके सीए के पास जाके वो इमीडिएटली ला के अपने पास एक फाइलिंग करके रख सकता है। नीचे मैंने कुछ कोट्स दिए हैं, तो उस कोट्स का डेफिनेटली रीड करो, बहुत अच्छे कोट्स है। आपके करंट इन्वेस्टमेंट्स है जो भी, उसको एक बार चेक कर दो कि अभी तक आपने जो आरडी किया है, या फिर आपका एफडी है, या फिर आपका एसआईपी है, आप कुछ ट्रेडिंग करते हो स्टॉक मार्केट में, या फिर आपके पास गोल्ड है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टीज है, तो आप चेक करो कि वो इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं, कैसे हैं, क्या पोजीशन पे है, और आपने जो फ्यूचर प्लान किया अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरे बच्चे के बर्थ के टाइम पे एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, एसआईपी स्टार्ट किया था, और मेरा प्लान था कि 20 साल के होने तक उसमें ब्रेक नहीं करूंगा, ताकि उसके एजुकेशन के टाइम या शादी के टाइम में उसको यूज कर सकता हूँ। बट अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, अभी तक का रिकॉर्ड क्या था, तो अकॉर्डिंगली आप उसको एक बार देख लो, क्योंकि अभी आपके पास खाली टाइम पड़ा है, और ये सब चीज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और आपके पास सबसे ज्यादा अवेलेबल है तो टाइम है। दुनिया में या फिर आपकी लाइफ में पहली बार ऐसा आपको अप्रैल मिला होगा जिसमें 30 संडेज है, तो आप इन 30 संडेज को यूज करो। आपके जो भी प्रॉपर्टीज है उसके 7-12 का एक्सट्रैक्ट जो होता है, वो प्रॉपर्टी के एक्सट्रैक्ट और ओरिजिनल परचेज डीड आपके सेपरेट फाइल में है क्या चेक करो। और अगर आपके पास मोर देन 1 प्रॉपर्टीज है, तो हर प्रॉपर्टी के लिए एक फाइल, ऐसे अलग अलग फाइल बनाओ। अब मैं बोलूँ कब से फाइल 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 करो, स्टेशनरी शॉप तो बंद है, मैं फाइल नहीं ला सकता,
तो अभी के टाइम के लिए आप पुराने न्यूज़पेपर में रैप करके रखो, एक न्यूज़पेपर का रैप एक फाइल, दूसरा न्यूज़पेपर का रैप दूसरी फाइल, एक के ऊपर एक पर पाइल अप करके रख दिया, और जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया आप जाके फाइल्स लाओगे उसको पंच करके रख देंगे। तो सारे 7-12 का एक्सट्रैक्ट सीधे जाके रखो। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। बहुत सारे लोगों का भी काम याद आता है, जैसे मोस्टली अपने फास्टिंग के टाइम पे याद आता है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन होता है जो उस टाइम पे खाना अलाउड नहीं होता, तो हम बोलते हैं अच्छा मेरा फास्ट खत्म होने के बाद मैं ये खाऊंगा मैं वो खाऊंगा। इन द सेम वे अभी आपको काम याद आते रहेंगे, नोट बना के रखो और उसकी प्रायोरिटीज बनाओ कि लॉकडाउन के बाद सबसे पहले काम कौन सा करना है, सो आपका टाइम उसके बाद का बच जाएगा। मेक लिस्ट ऑफ ऑल योर रिसीवेबल्स एंड डेट स्टॉक, जो भी आपको आना है, अगर आप अकाउंटिंग करते हैं रिकॉर्ड रखते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रखते हैं तो जो भी आपको डेट स्टॉक है या फिर आपको जो भी आना है उन सब चीजों पे आप उसका लिस्ट बना के रखो। यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका कबर्ड आपके ड्रॉवर जो है सब कर दो, क्लीन कर दो, आपके घर पे जो चाहिए उतना ही रख दो। इसी बात पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा स्पिरिचुअलिटी और इसके हिसाब से। देखो जब दिवाली आती है तो हम घर को साफ करते हैं, घर साफ में एक्चुअल करते क्या है, जो पुराना नहीं चाहिए निकालते हैं, जो गंदगी है फॉर एग्जाम्पल फैन पे है, दीवार पे जाले लगे हुए हैं, जो भी है हम उसको अच्छे से साफ करके निकालते हैं। क्यों? क्योंकि दिवाली में लक्ष्मी आने वाली होती है, और जब घर में आपके जंक है तो आपके घर पे लक्ष्मी नहीं आएगी, दोस्तों याद रखो। तो आपके पास जो भी पुराने रिकॉर्ड्स है, रद्दी पड़ा होगा आपके पास, न्यूज़पेपर का रद्दी पड़ा है या पुराने कपड़े है, ऐसी कोई भी चीज जो आपने 6 महीने से यूज नहीं की हो आपको जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, टीवी का बॉक्स है उसको भी रखते, टीवी लेके 10 साल हो गए बॉक्स अभी मेरे घर पे पड़ा, क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग के टाइम पे यूज होगा। दोस्तों आज जमाना चेंज हुआ है, पैकर्सन मोर को कॉल कर दो, वो बॉक्स के साथ में आएंगे, आपके बॉक्स की जरूरत नहीं है आपको, बट वो जो बॉक्स आपके घर पे पड़ा है वो आपके घर पे निगेटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहा है। तो जो ऐसी चीजें जो हमने 6 महीने नहीं किया उसको निकाल दो। तो आप ये कर सकते हो इस लॉकडाउन के पीरियड में, डिस्पोज ऑफ ऑल योर ओल्ड एंड नॉन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। पुराने डॉक्यूमेंट्स हम रखते, गलती से मेरे पास 1 की जगह 10 जेरोक्स निकले थे मेरे पैन कार्ड के, अच्छा कभी तो यूज होगा इसलिए मैं पैन कार्ड के 9 जेरोक्स कॉपीज घर पे रखे पड़े हैं, और नेक्स्ट टाइम जब लगता है तो घर पे डॉक्यूमेंट रहते हैं मेरे पॉकेट में पैन कार्ड रहता है तो मैं उधर ही जेरोक्स निकाल के दे देता हूँ। तो इन 10 का करोगे क्या, ये 9 का मिला के बच्चों को उसका अच्छा से एरोप्लेन बना के दे दो, बच्चे अच्छे से खेलेंगे उस 9 पैन कार्ड की कॉपीज के साथ में। तो इट वॉज अ फन पार्ट, बट आप सोचो इस बारे में, सोचो आपके सारे न्यूज पेपर सेल ऑफ कर दो वंस लॉकडाउन इज ओवर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो भी प्लानिंग है या आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है अपने फैमिली और चिल्ड्रन को इम्पोर्टेंट शेयर कर दो, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हम फैमिलीज को कंसिडर नहीं करते, कंसिडर करना चालू कीजिएगा। देखो एक नारी में इतनी पावर होती है कि वो दुनिया को हिला सकती है, एक औरत ही है जो मर्द को जन्म दे सकती, एक मर्द किसी मर्द को पैदा नहीं कर सकता, तो उस नारी के पास बहुत ताकत है, उसका यूज कर दो। उसको बताओ तुम्हारे प्लान्स क्या है, तुम्हारे फ्यूचर ड्रीम्स क्या है, तुम्हारे अभी तक फाइनेंशियल पोजिशन क्या है, क्योंकि आपके बाद उसको ही पूरा दिखना है, और जब 1 और 1 11 बन जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो इसलिए आपके जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करो, और देखो डेफिनेटली इसका फायदा होगा। और थैंक यू इस वीडियो के साथ में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।